हम लोग एक वेदर फोरकास्टिंग और एग्रीकल्चर रिस्क सॉल्यूशंस कंपनी है, और जिस तरह से ये मौसम चेंज हो रहा है और उससे किसानों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि किसान को सही समय पे पता चल पाए कि इस बार मौसम किस प्रकार जा रहा है, उसमें वो दो तरीके से काम कर सकता है कि अगर मान लीजिए संभावनाएं कम रेनफॉल की है तो वो वाटर कंजर्वेशन के सिस्टम बना सकता है, पॉन्ड्स बना सकता है या किसी तरह प्रिजर्व कर सकता है, और उसके साथ ही वो सही फसलों का चयन कर सकता है। अगर फसल चेंज नहीं हो सकती है तो अपनी सही वैरायटी का चयन कर सकता है और उसके बेसिस पे और वो मॉनिटर कर सकता है। अब टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी लेवल्स के साथ शॉर्ट टर्म फोरकास्ट बता सकती है, नेक्स्ट 7 डेज़ का, नेक्स्ट 7 दिन में क्या होने वाला है उसके विलेज में, जो कि हर दिन अपडेट होता है, उसके बेसिस पे वो अपने ऑपरेशंस को काम कर सकता है, यूज़ कर सकता है। अगर उसको पता है कि अगले 5 दिन में पानी आने वाला है तो वो अपना इरिगेशन को रोक सकता है जिससे कि अपने पानी को प्रिजर्व करे, और जिस समय पानी ना बरसे और क्रॉप को रिक्वायरमेंट हो उस समय उसके जरिए वो सिंचाई कर सकता है। जी, इसके दो तरीके हैं। एक तो हमारी कहने को तो एक वेबसाइट है वैसे, जिसके जरिए जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनको एक्सेस है, आजकल 3G 4G अवेलेबल है, काफ़ी लोग सर्फ भी करते हैं, उसके माध्यम से देख सकते हैं। और दूसरा है, आप अगर हम लोगों की एक ऐप है, हम लोगों की स्काई मेट ऐप है जिसको, जो कि फ्री है, किसी भी प्ले स्टोर से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ का आवर्ली टेम्परेचर, लाइव टेम्परेचर और नेक्स्ट 15 दिन का क्या होने वाला है, ये हम लोग फ्री में अवेलेबल कराते हैं किसान को। सर, अभी जो हमारे किसान हैं वो इतने ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं हुए हैं, जो सब जो है वो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो और वो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लिया है हम लोगों ने, एक $6 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो हम USAID के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 7-9 राज्यों में 31 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जो है ये फ्री में दे रहे हैं। उसमें 3 तरीके से हम लोग दे रहे हैं, एक तो जिसके पास ऐप है ऐप दे सके, दूसरा है हम लोग जहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट में जो चाहे उसको हम फ्री एसएमएस के जरिए देते हैं, क्योंकि और बाकी जो है हमारी वेबसाइट या चैनल है उस माध्यम से सब जगह मिलती ही है। अगर जिस किसी के पास अगर नहीं है मोबाइल, जो कि आज की डेट में 75 से 80% जो लोग हैं उनके पास मोबाइल है किसी ना किसी प्रकार का, पर आज की डेट में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिस भी गाँव में है एटलीस्ट किसी भी गाँव में 5 से 10% लोगों के पास मोबाइल होता ही है। तो अगर एक आदमी देख सकता है तो उसी के जरिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।